हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है चलचित्रों का प्रभाव। आज हम लोग चलचित्र के बारे में जानेंगे कि चलचित्र से क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन में आते हैं भूमिका। चलचित्र आज भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। नव युवक तो चलचित्र पर जान देते हैं। मनोरंजन के साथ साथ यह मानव हृदय पर गहरी छाप भी छोड़ता है। चलचित्र में भावनापूर्ण कहानियाँ होती है जो हमारी भावनाओं को उत्तेजित करके अपना असर दिखाती है। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं रह सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि आजकल के जो युवा वर्ग होते हैं वो चलचित्र में बहुत ही रुचि दिखाते हैं और चलचित्र से उसका गहरा लगाव होता है। यदि आपके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है तो चलचित्र को ही आप मनोरंजन का साधन बनाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो चलचित्र का स्थान है वो बहुत ही उपयोगिता इसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पॉइंट नंबर दो में आते हैं लाभ। भारत छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि कई समस्याओं से अब भी जकड़ा हुआ है। चलचित्र इन बुराइयों को दूर करने में बहुत योगदान दिया है। चलचित्र हमारी मानसिक रूढ़ियों को तोड़ने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। चलचित्र ने मानव जाति को जाति बंधन से ऊपर उठाने का सफल प्रयास किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो चलचित्र है वो मानव जाति के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुए हैं, क्योंकि चलचित्र के माध्यम से हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं उसमें सुधार आया है। तो फ्रेंड्स, ये चलचित्र के कुछ लाभदायक गुण थे। अब आते हैं बुराइयाँ, चलचित्र हमारे लिए हानिकारक कैसे होता है, आइए जानते हैं पॉइंट नंबर तीन में। पॉइंट नंबर तीन में है हानियाँ। चलचित्रों ने जहाँ समाज में एक नव चेतना जागृत की है, वहाँ उन्होंने समाज को अत्यधिक हानि भी पहुँचाई है। धन के लोभी फिल्मों के निर्माता ऐसी फिल्मों का निर्माण करते हैं जिनमें मार धाड़, हिंसा, यौन प्रदर्शन, अश्लीलता को जानबूझकर उभारा जाता है। अनेक सर्वेक्षणों से पता चला है कि अपराधों की संख्या बढ़ने में इनकी फिल्मों का अत्यधिक हाथ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म देखकर या चलचित्र देखकर जो युवा वर्ग होते हैं उससे कुछ सीखते हैं। यदि उसमें कुछ बुरा दिखाया जाता है तो वो भी बुरा राह अपना लेते हैं। तो इससे कुछ हानियाँ भी हुई है चलचित्र के माध्यम से। बच्चा चलचित्र के पर्दे पर हिंसा और अपराधों की जितनी कहानियाँ देखता है उनसे उसका व्यवहार भी अपराधियों जैसा बन जाता है। अपराधी वृत्ति के लोग जेब काटने, डाका डालने, चोरी करने तथा अन्य बुराइयां करने के नित्य नए नए तरीके चलचित्रों के माध्यम से ही सीखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो डाका डालने, चोरी करने का जो तरीका उसमें चलचित्र के माध्यम से बताया जाता है तो जो युवा वर्ग या जो बच्चे देखते हैं उसे देखकर उसे फॉलो करते हैं और वो भी चोरी करना सीख जाते हैं, डाका डालना सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यह कह सकते हैं कि चलचित्र के माध्यम से हमें कुछ लाभ भी पहुँचता है और कुछ हानि भी होती है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट में, उपसंहार। यह ठीक है कि आज चलचित्रों से मानव मूल्य नष्ट होने लगे हैं, परंतु इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। आज लोग घर में बैठकर ही चलचित्र के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। यह मनोरंजन का उत्तम साधन भी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में जो चलचित्रों का प्रभाव है, एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।